In this video, we'll continue the chapter light. So, our topic for today is light travels in a straight line. Light हमेशा एक straight line में travel करता है. वो इस experiment के help से बहुत easily समझ आ रहा है. एक candle है और ये एक tube है. अभी tube पूरा सीधा है तो candle का flame हम लोगों को अच्छे से दिख रहा है. लेकिन ये rubber tube है तो इसको अब bend कर दिए तो ये candle का flame light यहाँ तक आ रहा था, ठीक है. अब लाइट बेंड होकर तो जाएगा नहीं, इस वजह से हम लोगों को यहाँ तक लाइट दिखेगा नहीं. तो इससे समझ में आता है कि लाइट सिर्फ स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है, वो इस तरह से बेंड होकर नहीं जा सकता. इसी बेसिस पे एक सामान बनाया हुआ रहता है जिसको बोलते हैं पिनहोल कैमरा. इसी प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है. तो एक पिनहोल कैमरा कैसे बनाते हैं? एक कार्डबोर्ड बॉक्स ले लिया गया और यहाँ पर एक स्क्रीन होता है. कोई भी कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर पेपर हो सकता है, कार्डबोर्ड हो सकता है. और ये एक पिन के समान बहुत पतला सा यहाँ पर एक होल किया जाता है, बहुत छोटा सा. अब ये कैंडल का रोशनी इस तरह से अंदर जा रहा है, तो वो हम लोग कॉपी में रीड्रॉ करके देखते हैं. सपोज ये एक पिन होल है और यहाँ पर एक कैंडल है. तो ये फ्लेम का से लाइट इस तरह से गया और ये स्क्रीन है. फिर यहां से लाइट इस तरह से जा रहा है और यहां से जा रहा है इस तरह से. तो बेस इसका मतलब कहाँ आएगा? यहां पर. और ये फ्लेम कहाँ बन रहा था? नीचे. तो ये उल्टा. तो इस तरह से जो उल्टा इमेज बनता है इसको बोला जाता है इन्वर्टेड इमेज. और यहां पर इमेज खुद से इंटरसेक्ट करके लाइंस बन गया तो इसको बोला जाता है रियल. हमेशा साथ में यूज होता है रियल एंड इन्वर्टेड इमेजेस. तो पिन होल कैमरा से किस तरह का इमेज बनता है? रियल एंड इन्वर्टेड. और साइज में छोटा या बड़ा वो स्क्रीन को आगे पीछे करेंगे तो वो चेंज होते जाएगा. नेचर में भी बहुत जगह पिनहोल कैमरा है, जिससे जब एक पेड़ में बहुत सारा पत्ता है तो दो पत्ता के बीच में जो होल होता है वो एक पिनहोल का काम करता है. तो सन से जो लाइट आता है उसका इमेजेस यहाँ पर बनता है जमीन में. बहुत जगह हम लोग को दिखता है डार्क डार्क पैचेस बना हुआ, तो वो सारा एक्चुअली सन का इमेजेस है. कैमरा कहाँ पर आया? ये पत्ता के बीच में जो थोड़ा थोड़ा सा होल होता है. पिनहोल कैमरा का बहुत सारा एडवांटेजेस है. फोकस करने का जरूरत नहीं पड़ता. जैसे हम लोग फोन में भी फोटो खींचते हैं तो स्क्रीन के ऊपर टैप करके हम लोग फोकस करते हैं, अदरवाइज धुंधला फोटोज आता है, ब्लरी इमेजेस आता है. तो पिनहोल कैमरा में फोकस करने का जरूरत नहीं होता. दूसरा, इसमें कोई लेंस नहीं चाहिए, बस एक होल चाहिए जिससे लाइट पार हो जाएगा. तो इस वजह से द इमेजेस आर फ्री फ्रॉम स्फेरिकल एंड क्रोमैटिक एबरेशंस. इसके बारे में हम लोग हायर क्लासेस में पढ़ेंगे. क्रोमैटिक टर्म लर्न करने के लिए याद करना होगा कलर रिलेटेड है. तो जब एक लेंस के थ्रू इमेज बनता है, लेंस इस तरह को बोलते हैं, तो कभी कभी ना कलर्स वगैरह ठीक से नहीं आता है. जैसा ऑब्जेक्ट है एग्जैक्टली वैसा इमेज नहीं दिखता है, क्योंकि वो थोड़ा बहुत गलती हो जाता है. बट पिनहोल कैमरा में तो कोई लेंस ही नहीं है, इसके वजह से इसमें इस तरह का गलती नहीं आता. बट पिनहोल कैमरा का बहुत सारा डिसएडवांटेजेस भी है. ये जो इमेज बनता है ये क्लियर नहीं होता, तो ये हेजी इमेज होता है. फिर जब हम ये स्क्रीन हटा देंगे तो इमेज भी तो चला जाएगा, तो इमेज का कोई रिकॉर्ड नहीं होता, नो रिकॉर्ड. और अगर इसको हम बार बार हिलाते रहेंगे तो पिनहोल कैमरा से कभी इमेज बन नहीं पाएगा ठीक से. तो इट कैन नॉट बी यूज्ड टू ऑब्टेन द इमेज ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट अगर हिलते रहेगा तो इमेज ठीक से नहीं बनता. ये बात याद रखना, जहां से लाइट आ रहा है वो ऑब्जेक्ट होगा और जो लास्ट में हम लोगों को मिल रहा है वो इमेज होता. तो ये प्रॉब्लम है. ये एक्टिविटी खुद से पढ़ा जा सकता है. सन की तरफ कभी भी डायरेक्टली नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इतना ज़्यादा लाइट है कि हम लोगों का आइज़ ख़राब हो सकता है. बट यू कैन सी द सन थ्रू योर पिनहोल कैमरा.
पिन होल कैमरा से मतलब जैसे इस तरह से ट्री देख रहे हैं उसी तरह से हम लोग सन को देख सकते हैं। नेक्स्ट इज मिरर्स एंड रिफ्लेक्शन। सो व्हाट इज अ मिरर? एक मिरर क्या होता है? एक बहुत पॉलिश्ड सरफेस को मिरर बोलते हैं। जो सरफेस बहुत ज़्यादा शाइन कर रहा है वो एक मिरर के जैसे बिहेव करता है। तो यहाँ जो ऐसे ऐसे लाइन टांग दी ना, इसका मतलब ये रफ पोर्शन है और ये वाला ऊपर वाला शाइनी पोर्शन है। जिस तरह से ज़मीन में एक बॉल फेंकते हैं हम लोग, तो बॉल क्या होता है, वापस बाउंस बैक करके ऊपर जाता है, फिर ऊपर नीचे करते रहता है, धीरे धीरे वो रुक जाएगा। तो एक लाइट अगर बहुत शाइनी सरफेस के ऊपर इस तरह से गिर रहा है तो वो टकरा कर वापस ऐसे हो जाएगा। तो द रे ऑफ लाइट दैट फॉल्स ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑन अ मिरर, जब लाइट गिर रहा है उसके ऊपर तो उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। और जब वो टकरा कर बाउंस बैक होकर वापस आ रहा है तो इसको बोला जाता है रिफ्लेक्टेड रे, क्योंकि वो रिफ्लेक्ट होने के बाद आ रहा है, और इसी प्रोसेस को रिफ्लेक्शन बोलते हैं। सो व्हाट इज रिफ्लेक्शन? व्हाट इज रिफ्लेक्शन? द फेनोमेनन इन विच अ रे ऑफ लाइट आफ्टर फॉलिंग ऑन अ स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस, एक स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस के ऊपर जब रे ऑफ लाइट गिरता है तो वो रिटर्न करता है वापस मिरर से ऑन द सेम मीडियम। मतलब यहाँ एयर था मीडियम, तो एयर मीडियम में ही आया था और एयर में ही वापस वो चला गया। दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अलग अलग एंगल्स बनाकर गिरता है, इस रिफ्लेक्शन का लॉस भी है, वो सब हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो अभी दो इमेज तुमको ध्यान में रखना है। अगर इस तरह से 90 डिग्री बनाकर रे आता है ना, तो वो रिफ्लेक्ट भी ऐसे ही हो जाता है। तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे का पाथ सेम होता है, लेकिन अगर कोई भी एंगल बनकर वो गिरेगा तो जितना यहाँ है वो देखो उसी तरह से ड्रॉ किया हुआ रफ में ऑन एन एवरेज। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना। तब शैडो में और इमेज में क्या डिफरेंस होता है? पहला डिफरेंस है कि शैडो हमेशा ब्लैक कलर का होता है। ब्लू कलर का ऑब्जेक्ट है तो भी शैडो ब्लैक ही रहेगा, बट इमेज इज सेम एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जैसा है इमेज एग्जैक्टली वैसा ही रहेगा। फिर इमेज कब बनता है? आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ शाइनी सरफेस। जब लाइट किसी शाइनी सरफेस से रिफ्लेक्ट होता है तब जाकर इमेज बनता है। लेकिन शैडो कब बनता है? व्हेन एन ओपेक ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ सोर्स ऑफ लाइट। लाइट के बीच में जब एक ओपेक ऑब्जेक्ट आ जाता है तब शैडो बनता है। शैडो डज नॉट गिव मच इन्फॉर्मेशन अबाउट द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है। लेकिन इमेज, आज अगर हम लोग किस मिरर में अपने आप को देख रहे हैं तो पूरा हूबहू सेम है, तो इमेज देख कर ही सब कुछ पता चल जाता है। तो इमेज गिव्स अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट द ऑब्जेक्ट। फिर है कि शैडो तो ब्लैक कलर का होता है ना, तो उसका मतलब उससे कोई भी रोशनी हम लोगों के आँख में नहीं जा रहा, लेकिन इमेज तो कलरफुल है तो उससे बहुत लाइट हम लोगों के आईज के अंदर जा रहा है, जिसके वजह से हम लोग उसको देख सकते हैं। सो दीज आर द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन एन इमेज एंड अ शैडो। जैसे ये एक शैडो से दिखा रहा है कि किस सॉरी इमेज से दिखा रहा है कि किस तरह से रिफ्लेक्शन के कारण इमेज बन रहा है। ये तो शैडो बन गया, ब्लैक कलर है। यहां पर कैसे फॉर्म हो रहा है? सपोज दिस इज अ मिरर, ये एक ऑब्जेक्ट है, यहां से लाइट इस तरह से आया, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्ट हो गया, तो ये रिफ्लेक्टेड रे है। फिर एक और रे इंसिडेंट कर देते हैं, ये रहा, तो ये भी रिफ्लेक्ट होगा। अब ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे मिलेगा, पीछे अगर डॉट डॉट दे देंगे तो ये मिल जाएगा।
तो जहां पर मिला है ना, यहां पर वहीं पर